हम इस वक्त बिहार मुंगेर बरियारपुर प्रखंड करहरिया पश्चिमी पंचायत कल्याणपुर बड़ी दुर्गा बुर्ज खलीफा कैलाश पर्वत के पीछे हैं। अभी के सीजन चल रहा है दिवाली छठ काली मेला की, तो यहाँ का जो श्रद्धालु होता है छठ पर्व मनाने के लिए, यहाँ के श्रद्धालु अपना स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए अपने किनारे से दूर जाकर छारन पे पर्व करता है। जब पर्व करता है तो छारन तो सही रहना चाहिए। तो ये जो छारन जो देख रहे हैं ना, ये कह रहा था बच्चा कि यहाँ पर था, ये धीरे धीरे कट करके सट रहा है उस तरफ। तो ये प्राकृतिक देन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे छारन दिया तो छारन ले भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि छठ पर्व तक में इसको काट के हटा देगा, जिस तरह जितना रफ्तार में कट रहा है। हालांकि हम इस वक्त छठ पूजा के सामने सामने हैं और बुर्ज खलीफा कैलाश पर्वत के पीछे गंगा नदी की बहुत सुहाना माहौल है और स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए, और यहाँ जो है जियो बैग का काम है, जियो बैग का काम है। तो अचानक गड्ढा है, गड्ढा के कारण से खास करके बंगाली टोला के श्रद्धालु छारन पे जाता है। हालांकि बरियारपुर प्रखंड के जितना भी प्रशासन पदाधिकारी है पूरा ताकत लगा देता है कि अपने किनारे करो ना कि छारन पे जाओ, फिर भी नहीं मानता है। कल्याणपुर के जो श्रद्धालु होते हैं, कल्याणपुर से लेकर के बरियारपुर तक गंगा नदी के अपने किनारे करते हैं, ना कि छारन पे जाते हैं। बात रहा घोड़घाट का, बंगाली टोला से लेकर रघुनाथपुर घोड़घाट के श्रद्धालु जो है वो करते हैं अपने गंगा नदी के किनारे, ना कि छारन पे जाता है। सिर्फ बंगाली टोला के श्रद्धालु जो होते हैं, चाहे छारन 5 किलोमीटर क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी तेज धाराएं क्यों ना बह, स्वच्छता और जियो बैग की अचानक गड्ढा को मद्देनजर रखते हुए छारन पे भाग जाता है। हालांकि बंगाली टोला में पिछले कई वर्ष लगातार घटना होती रही छठ पूजा के बाद। पहले इस तरफ कल्याणपुर से लेकर के फुलकिया, सरस्वती नगर, आशा टोला, नीरपुर होते हुए बरियारपुर के आगे भी इस तरह की नजरिया है छठ पर्व के लिए। इस बार कोई घटना दुर्घटना गंगा नदी की तेज धाराएं की कोई शिकायत नहीं है। ये जो भी थोड़ा थोड़ा जो पानी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस तरह का स्रोत है, स्रोत के माध्यम से आता है, सीजन पे ये डाउन हो जाएगा। ये लोकेशन कल्याणपुर की छठ मेला जहाँ है वहाँ से लेकर के घोड़घाट, रघुनाथपुर, बंगाली टोला की इस तरह नजरिया है, जो कि गंगा नदी की मुख्य धाराएं के रूप में मानी जाती है, ना कि ढाबडुब। ढाबडुब कल्याणपुर से लेकर बरियारपुर की तरफ ढाबडुब नजर है, और यहाँ पर से काफ़ी गंगा नदी की मुख्य धाराएं के नज़रिया से देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर बंगाली टोला से लेकर के घोड़घाट, रघुनाथपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर के एरिया तक इस तरह का नज़रिया है। तो इस एरिया में घटना दुर्घटना की ज़्यादा संभावना हो सकता है, ना कि हम दावा करते हैं, क्योंकि ये गंगा नदी है, किसी की लापरवाही के कारण से किसी के नुकसान, किसी की शिकायत खबरें बन सकता है। हालांकि बरियारपुर प्रखंड के जितने भी प्रशासन पदाधिकारी हैं वो सभी इस बार उम्मीद है कि NDRF के टीम और प्रशासनिक ताकत सहयोग यहां पर छठ पूजा में होने की उम्मीद है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रंगीला 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इतना तक। बात रहा छठ पूजा बंगाली टोला का कहाँ करेगा, अगर इस तरह से कट्टी छारन लगेगा, छारन का कट्टी कटाव होगा तो संभव नहीं है।